आज के दिन देश भर में विभिन्न जगहों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम को याद किया जाता है, उनके संघर्ष को, उनके समर्पण को और उनके आदर्श को याद किया जाता है। तो इन 24 न्यूज़ के माध्यम से हमने भी ये जानने की कोशिश की कि आज का युवा वर्ग किस तरह से गांधी जी को याद करता है और किस तरह से उनके आदर्शों का पालन करने की कोशिश करता है और क्या यादें हैं गांधी जी को लेकर उनकी। तो हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा लोग, हम उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं गांधी जी के बारे में और वो क्या जानते हैं गांधी जी के बारे में। आपका नाम? नागेंद्र वाल्मीकि। आप गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी जी हमारे भारत के बहुत अच्छे समाज सेवक थे। उन्होंने भारत को बहुत अच्छे नौजवानों को रास्ता दिखाया, मतलब बहुत पहले आज़ादी दिलाई भारत को और नौजवान को अच्छा, मतलब आज़ादी दे के रास्ता दिखाया। आज उनके वजह से हम इधर अच्छे से खड़े हैं, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं बहुत। और आज़ादी तो दिलाई उन्होंने, लेकिन उसके अलावा और भी किस लिए हम गांधी जी को जानते हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उन्होंने गुजरात या दांडी यात्रा भी किया था। तो देखा आपने, इनकी जानकारी है कि गांधी जी ने देश को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और दांडी यात्रा जो नमक के लिए आंदोलन किया गया था उसका भी आयोजन उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से गांधी जी को जानते हैं और किस तरह से गांधी जी के आदर्शों का पालन करना चाहते हैं। आपका नाम? शिवराज देवगुड़े। गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? आज 2 अक्टूबर है, हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वतंत्र वीर सेना लाल बहादुर शास्त्री, इनका आज जयंती है। 2 अक्टूबर को उन दोनों नेताओं का जन्म हुआ था। 1947 में गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद किया, उन्होंने दांडी यात्रा वगैरह किया, तो उस टाइम पे लोगों ने उनको बहुत उनका साथ दिया और हमारे देश को आज़ाद। और किसी आंदोलन के बारे में जानते हैं आप? ये दांडी यात्रा और वो गुजरात में जो नमक का आंदोलन हुआ था वो बस। वैसे तो गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे आंदोलन किए थे जिसमें सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों का समावेश था। युवा वर्ग हैं, बहुत सीमित जानकारी है इनकी, लेकिन फिर भी ठीक है, इनको कम से कम ये पता है कि आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है। तो बहुत कम लोगों को ये पता होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इनकी जानकारी भले सीमित है लेकिन ठीक है। मैं और भी जानना चाहूँगा आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप क्या जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, आप कुछ बताओ जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इनकी जानकारी कम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री 1904 में जिनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगलसराय ज़िले में, और जन्म के बाद से ही वो गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भी हिस्सा लिया और 1964 में वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान उन्होंने जो भी देश के लिए जो भी काम किए वो आज भी सराहनीय है और आज भी उन्हें सराहा जाता है। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था और वो नारा आज भी प्रासंगिक है। तो ये जानकारी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से गांधी जी के आदर्श और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श का पालन करते हैं। गांधी जी के किस आदर्श का आप पालन करते हैं? गांधी जी एक नेक दिल इंसान थे और जो उन्होंने नेक दिल, आपने कहा तो नेक दिल से आपका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो वो कर रहे थे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको रोकना चाहूँगा कि वो जो लोगों के लिए कर रहे थे, क्या आज के किसी नेता में आपको ऐसा मादा नज़र आता है? नहीं, क्योंकि जो इंसान थे वो बहुत नेक दिल इंसान थे और आज के तारीख में कोई भी नेता ऐसा कर सकता है, बहुत कम लोग हैं जो पूरे करते हैं, बाकी लोग सिर्फ ऐसे मतलब। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो महात्मा गांधी थे उनका कहना था कि उनका मन साफ था और वो यही कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये उनका कहना था। और जो लोग उनको ताने मारते थे, जो फिरंगी थे, उनसे सिर्फ सुन के लेते थे और उनको सच्चाई बताते थे कि हमारे लोग ऐसे है वैसे है,
जो कुछ भी किया अपने लोगों के लिए, आज हम सुरक्षित हैं उनके वजह से ही, और सीना तान के भी चलते हैं तो उनके वजह से ही है। तो ये हैं युवा जिनका मानना है कि गांधी जी के आदर्शों का हमें आज भी पालन करना चाहिए। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो भी बातें हमने कही और सुनी, उससे ये साबित होता है कि वो एक साफ दिल इंसान थे और उन्होंने देश के प्रति हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार रखा। लेकिन आज के किसी भी नेताओं में हमें इस तरह का मादा देखने में नज़र नहीं आता है। तो ये एक सवाल मन में पैदा होता है कि खादी को बढ़ावा देने वाला और ज़िंदगी भर सादगी से अपना जीवन बसर करने वाला वो एक राजनेता है, और उसी भारत के आज के जो नेता हैं वो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर अपने आप में व्यस्त होते हैं और आडंबरों से जुड़े होते हैं। आपको आज कोई भी नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। गांधी जी के आदर्शों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान एक मुहिम चला रखी है, लेकिन हम जिस इलाके में मौजूद हैं, मुंबई का अंधेरी वेस्ट का वो इलाका है, और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन FS पटेल से मैं गुजारिश करूँगा कि कैमरे को पैन करके वो आपको दिखाएँ कि इस इलाके की सुरक्षा किस तरह से तार तार हुई, इस इलाके की स्वच्छता किस तरह से तार तार हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गटर खुली हुई है, गटर का पानी जो है वो सड़कों पर से होते हुए गली से गुजरते हुए लोगों के घरों तक जाता है। किस गंदगी में यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं ये देखकर न सिर्फ एक स्वच्छता के प्रति मन में हीन भावना पैदा होती है, बल्कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है इसको बिल्कुल ठेंगा दिखाता हुआ ये दृश्य आप देख रहे हैं। किस तरह से सड़कों पर गटर का पानी बाहर आ रहा है, यहाँ स्कूल में जाने वाले बच्चे भी रहते हैं और यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं जो इस गंदगी से जिन्हें गुजरना पड़ता है, और गाड़ी मोटर आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी मोटर का आवागमन यहाँ से हो रहा है, और उस आवागमन में किस तरह की गंदगी में यहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ गांधी जी भारत में स्वच्छ भारत अभियान के मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं इस इलाके की गंदगी को देखकर आज 2 अक्टूबर के मौके पर मैं बस ये सवाल करना चाहूँगा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल हो रहा है और किस कदर गांधी जी की प्रासंगिकता के या आदर्शवाद को आज ठेंगा दिखाया जा रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है ये सवाल यहाँ के लोग प्रशासन से पूछेंगे, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चलाया जा रहा है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। बस मैं ये आपको दिखाना चाहता था। इस इलाके के अलावा हम चलते हैं अब दूसरे इलाके में, वहाँ के युवा किस तरह से गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं हम उसका भी जायज़ा लेंगे। हम मौजूद हैं मुंबई के गिल्बर्ट हिल इलाके में। कुछ देर पहले हमने युवाओं से बातचीत की, अब हमारे साथ कुछ वयस्क और बुज़ुर्ग लोग भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि गांधी जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में वो किस तरह से अनुपालन करते हैं और किस तरह से आज के युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो भी अनुपालन करें, और किस तरह से उनकी विचारधाराओं को वो मानते हैं आज भी, और क्या जो उन्होंने सपना देखा था भारत निर्माण का वो सपना सच हो पाया है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं भारत नवनिर्माण, उन्होंने 2022 का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इसके बारे में जानकारी हम अभी लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम सबसे पहले चलेंगे जो बुज़ुर्ग भी हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं उनके पास। आपका नाम? हमारा नाम सूफी हकीम इकबाल है। दरअसल जो अंग्रेज़ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका एक मकसद था, सच्चाई की लड़ाई थी कि हमें इस देश को आज़ाद करके इस देश में रहने वाले लोगों को नौकरी देना, उनको घर देना, उनके सुरक्षा देना, ये तमाम चीज़ें थी। तो किस हद तक, मैं वही जानना चाहता हूँ, किस हद तक गांधी जी के उन सपनों को साकार किया गया है। आज़ादी को तो काफ़ी साल बीत गए हैं,
और हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास भी सरकार की तरफ से किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, इलेक्शन के समय वादे भी किए जाते हैं, लेकिन क्या हकीकती ज़मीन पर जो ज़मीनी सच है उस तक कहाँ तक पहुँची है सरकार? देखिए मैं आपको बताऊँ, उनका सपना था एक सच भारत का, कि सच भारत हो, सिर्फ मन की बात कह लेने से कि मन की बात, अरे उन गरीबों को के मन की बात को भी आपको सुनना पड़ेगा। आज किसानों ने एक सपना देखा था कि हमारी फसल हो गई, हम अपनी बेटियों का हाथ पीला करेंगे। आज विदेश जा करके महंगे महंगे सूट पहन करके विदेश का दौरा कर रहे हैं, जब वो सूट गंदा हो जाता है तो हिंदुस्तान में धुलाने के लिए सिर्फ आते हैं। कर्ज माफ़ी की बात आई, करोड़ों रुपया खर्च करके सफर में कर रहे हैं, कभी उन किसानों के बारे में सोचा कि उनकी बेटियों के हाथ उनका हाथ पीला कर? क्या महात्मा गांधी ने यही सपना देखा था इस देश में? हैं, आज गली गली गंदगी है, स्वच्छ भारत का नाम ले रहे हैं। और मैंने देखा वहाँ पर जू के ऊपर कुछ बड़े बड़े फ्लैट बंगले वाले आ करके झाड़ू ले करके सिर्फ फ़ोटो खिंचा रहे हैं कि स्वच्छ भारत। अरे गिलबर्ट हिल आ करके देखो, हैं, जू गली जा करके देखो कितनी गंदी है, ये स्वच्छ भारत है? क्या महात्मा गांधी ने यही सपना देखा था? अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल ही यहाँ पर राष्ट्रपति आए हुए थे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के महाराष्ट्र के शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है, और स्वच्छता अभियान के तहत ही ये कार्यक्रम भी किया गया आयोजित, और स्वच्छ खुले में शौच मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो क्या मुंबई जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो गया है? नहीं, मैं आपको बताऊं, आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने मध्य प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री की पोल खोल करके रख दी, सारे स्ट्रक्चर बन गए, सीट नहीं है, हैं, पैसा पेमेंट हो गया, अधिकारियों ने ले लिया, वहाँ के ग्राम सेवक ने ले लिया, प्रधान ने ले लिया, और स्वच्छ की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप ही लोगों ने दिखाया, हमने नहीं दिखाया है, पैसा सब हो गया, कहीं कोई कुछ भी खुले शौचालय उचाले की कोई बात नहीं है, सिर्फ जनता के पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है GST लगा करके। आज देखिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो मार्केटिंग बढ़ेगी, है, ट्रांसपोर्ट वाले उसका भाड़ा बढ़ाएंगे, तो जब भाड़ा बढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर, ये गरीबों के ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा। आज जो भाजी हम 10 रुपये में ले लेते हैं, आज हमको 20 रुपये देना पड़ रहा है, तो इससे देश चलेगा नहीं। जो सच्चाई की भारत, अभी देखिए कितना बड़ा झूठ, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, है, जीरो अकाउंट खोला, क्यों खोला भाई? एक लालच दिया कि ये इसी बहाने हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे, और वो 15 लाख की लालच में हमको वोट दे देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। 80% से सरकार बनती है। नोटबंदी के टाइम में आपने देखा होगा, एक मजदूर लाइन लगाया हुआ है, किसी करोड़पति को लाइन में बैंक के लगते हुए नहीं देखा, क्योंकि आरबीआई ने पहले ही उनको नोट दे दिया, पेटी भर के गई और उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट है कि 99% पुराने जो नोट थे हमारे पास आ चुके हैं। ब्लैक मनी है कहाँ? ब्लैक मनी तो डॉलर के शक्ल में विदेश चली गई है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन रहा है वो सादा जीवन और उच्च विचार के हिसाब से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, तो क्या आज के नेताओं में आपको इस तरह का कोई सादा जीवन उच्च विचार वाली भावनाएँ दिखती हैं? नहीं, जो लाल बहादुर शास्त्री का जो जीवन था, जो उनकी विचारधारा थी, उसमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। लाल बहादुर शास्त्री एक ही चप्पल पहन के सालों साल बिता दिया करते थे, उनकी विचारधारा एक अलग थी, आज वो दूर दूर तक नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी का सपना देखा था, जो जैसा भारत वो चाहते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने वो सपना देखा था। कैसा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा भारत चाहते थे वो? वो भारत चाहते सच्चाई हो, गरीबों को रोज़ी मिले, हैं, और शिक्षा मिले। आज शिक्षा दूर दूर तक नहीं, मैं आपको बताऊं, आज BMC की हालत आप देख लीजिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं। आपने बात की है शिक्षा की, तो मैं भी यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मूलभूत शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, BJP सरकार है, और वो अधिकारी हैं जो इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊं, गिलबर्ट हिल
स्कूल की बात बताऊं, उर्दू स्कूल की बात बताऊं, आप उसकी पोजीशन जाके देखिए। बहुत टाइम से यहाँ के लोग जो रहवासी हैं लड़ रहे हैं उसके लिए, कहीं कुछ नहीं है। आज उनको लोगों ने अपने पास से पैसा लगा करके पंखा लगाया, वहाँ टीचर खुद परेशान है। वो चाहते हैं कि ये बन जाए, हाई स्कूल तक बने, जो हमारे यहाँ के जो लड़कियाँ हैं बच्चे हैं यहाँ शिक्षा हासिल करें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यानी जो उर्दू जो शिक्षा है ना, उसे दबा देने का काम किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप उर्दू को बढ़ावा दो, हम कहते ये शिक्षा है, ये लैंग्वेज है, आप यहाँ पर इंग्लिश तालीम भी दीजिए, हिंदी भी दीजिए, मराठी भी दीजिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हैं, और हम महाराष्ट्र की जय बोलते, हिंदुस्तान की जय बोलते, हम लोगों को तो महाराष्ट्र का भी लगेगा उतने ही, क्योंकि हम उस हिंदुस्तान के रहवासी हैं और सबके दुख दर्द को लेकर के हमें चलना है, और उसके लिए अगर लड़ाई लड़ना होगा तो पूरी जनता साथ में है, वो लड़ेगी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है, बावजूद इसके सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बहुत से लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो गांधी जी के आदर्शों को पालते हैं और किस तरह से गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हैं। आपका नाम? इब्राहिम इस्माइल मोमिन। देश के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए गांधी जी ने, जो उनकी वजह से आज देश बहुत ऊपर आया है, इसके लिए बहुत। और हमारे देश को गांधी जी जैसा आदमी दूसरा मिलेगा नहीं, जो गांधी जी जो थे एक टू आदमी, पढ़ा लिखा और सच्चे आदमी थे जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो इन्होंने बताया कि गांधी जी बड़े ही सच्चे आदमी थे और उन्होंने देश के लिए बहुत सारे नेक काम किए हैं। गांधी जी के बारे में हम और भी जानते हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए, आपका नाम? मेरा नाम शेख अब्दुल रशीद। गांधी जयंती है आज, और किस तरह से आप गांधी जयंती के किस तरह से देखते हैं आप गांधी जी? गांधी जयंती को अभी क्या, पहले ऐसा तो है ही नहीं जो गांधी जी ने करके गए आवाम के लिए, और गांधी जी ने जो मतलब देश को एक आज़ादी दी थी और जो उन्होंने करके गए है, वो आज दिखने को नहीं मिलता है। आज लोग गांधी जी की आज ज़रूरत है लोगों को, आज का दौर ऐसा है कि आज गांधी जी की ज़रूरत है। जो गांधी जी ने सबक सिखाया और जो लोगों को बता के गया, जो कुर्बानी दिया उन्होंने, आज सब उल्टा हो रहा है। तो आपका मानना है कि गांधी जी की जो आदर्श हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन लोग उनकी कमी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी की आज बहुत कमी महसूस है, क्योंकि वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, सब उल्टा पलटा ही हो रहा है। जो गांधी जी ने आदर्श लोगों को दे के गए, बता के गए कि कैसा देश में चलना चाहिए, कैसी नीति चलना चाहिए, तो आज सब उल्टा है। और हर जगह देख लो आप, सब करप्शन चालू है और सब जातिवादी चालू है। जातिवाद पे एक सवाल करना चाहूँगा कि गांधी जी ने हमेशा एक ये भावना रखी कि किसी भी तरह का सामाजिक वैमनस्य समाज में ना फैले, हमेशा उनकी ये कोशिश रही कि हर समुदाय के लोग मिलजुल कर रहें, तो क्या आज इस तरह का माहौल देखने को हमें मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो माहौल कहीं भी नहीं है, किधर भी ना आप उठा देख लो, लेकिन कुछ अच्छे लोग है, ऐसे नहीं कि नहीं, कुछ अच्छे लोग है, उन लोग के वजह से सब चल रहा है। बाकी तो सब जो है यही पार्टियाँ जो बनी है, अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं, ये वही लोग सब करवाते हैं और करते हैं। क्या अब वक्त है, टाइम है ऐसा, अब सरकार इन लोगों की है, क्या करेंगे अभी इसमें। तो आज इस जैसा कि गांधी जी ने हमेशा से ये कोशिश रही गांधी जी की कि सामाजिक एक एकता बनी रहे, समाज में लोग भाईचारे के साथ रहें। कल मुहर्रम था, आपने देखा होगा कि किस तरह से गुजरात, बिहार और यूपी में दो गुट में, दो समुदाय में आपसी झगड़े हुए, वहाँ पर हिंसाएँ भड़की, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज गांधी जी की ज़रूरत है और आज गांधी जी के आदर्शों की ज़रूरत है। अच्छा, लोग सब जानते हैं, जान के भी अनजान है, जो जाहिल लोग है वो लोग ये सब करते हैं, अच्छे लोग जो है वो लोग कभी नहीं करेंगे ऐसा। जो गांधी जी के आदर्श पे चलने वाले लोग है, आज वो भी मिलजुल के, अभी इसके पहले देखो बकरा ईद गया, गणपति गई, तो लोगों ने शांति से मनाया, हम लोग भी शामिल होते, गणपतियों में भी शामिल होते हम लोग ईद में भी शामिल होते। ये अच्छे जो अच्छे दिमाग के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब मिलजुल के चलते। अभी भी इसके अंदर देखो मुहर्रम में और तुम्हारा ये नवरात्रि में मिलजुल के चलने वाले बाकी कुछ लोग हैं ऐसे जो जातिवादी करते हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, तो वो लोग ये सब करते हैं। तो इसलिए आज लोगों को गांधी जी की याद आ रही है कि आज गांधी जी की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आज गांधी जी की ज़रूरत है,
तो मैं आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो आज के राजनेता हैं, क्या उन पे से विश्वास लोगों का उठ गया है? बिल्कुल उठ गया है, बिल्कुल उठ गया। आप सारे चैनल उठा के देख लो और तुम्हारा ये सोशल मीडिया उठा के देख लो, आज आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि लोग कैसा कैसा बोलते हैं ये सरकारों के बारे में, कि लोग किस तरीके से वो करते हैं। गांधी जी के आदर्श पे चलने का काम इन लोगों का नहीं है और ना ये लोग चल सकते। ये सब अभी क्या बोले, अभी बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, सब समझते हैं लोग। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से सामाजिक वैमनस्यता आज भी जस की तस है। गांधी जी का यह सपना था कि किसी भी तरह देश में भाईचारा बढ़े, सरकार कितने भी दावे कर ले लेकिन सामाजिक वैमनस्यता वक्त वक्त पर हमें दिखाई दिया करती है, चाहे वो मुहर्रम का मौका हो, चाहे वो गणेश उत्सव का मौका हो। आपको ये भी बता दें कि जो अवाम है, जो देश की जनता है, वो मिलजुल कर रहना तो चाहती है लेकिन फिर भी इस तरह के हिंसा या इस तरह की वारदातें आखिरकार क्यों हो जाती हैं, इसका जवाब कहीं ना कहीं सरकार को खंगालना चाहिए कि किस कहाँ चूक रह गई, आखिर चूक कहाँ रह रही है, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अनिल सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।